ये कहानी है कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन निकेजाको केंगुरुसे की, जिन्होंने कपकपाती ठंड में नंगे पांव पाक आर्मी का सामना किया था। 15 जुलाई 1974 को नागालैंड के गांव नेरहेमा में जन्मे निकेजाको को उनके घरवाले बड़े ही प्यार से नेम्बू कहकर बुलाया करते थे। 1998 में जब नेम्बू आर्मी सर्विस कोर में कमीशन हुए तो महज 4 महीने बाद ही नेम्बू को बैटलफील्ड से बुलावा गया। वहां उनके उत्तर भारत के साथियों ने उनके कठिन नाम को आसान बनाते हुए उन्हें नेम्बू से नेम्बू साहब कहना शुरू कर दिया। नेम्बू साहब को घातक प्लेटून का कमांडर बनाया गया। 28 जून 1999 को कारगिल में उन्हें एक मिशन सौंपा गया जिसके तहत द्रास सेक्टर में लोन हिल नाम की पीक पर कब्जा करना था। काफी ऊंचाई पर बनी इस पोस्ट से लगातार पाक सेना गोलियां चला रही थी। अपने साथियों के साथ कैप्टन निकेजाको ऊपर की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान कैप्टन के पेट में गोली जा लगी, बावजूद इसके उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। अब एक आखिरी चढ़ाई सीधी चट्टान पर बाकी थी। चट्टान में कब्जा फंसाने की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो कैप्टन ने खुद ही चढ़ने का प्रयास किया मगर सीधी चट्टान पर बार बार जूते फिसलने लगे। ऐसे में 6,000 फीट की ऊंचाई और -10 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने अपने जूते और जुराब दोनों उतार दिए और नंगे पैर चट्टान पर ऊपर चढ़ गए। फिर अपने साथियों को भी ऊपर चढ़ाया। ऊपर पहुंचकर नेम्बू साहब ने रॉकेट लॉन्चर से फायर किया और एक के बाद एक 7 पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट कर दिया, लेकिन आगे चलकर उन्हें गोली लगी। इस दौरान भारतीय सेना ने पोस्ट पर कब्जा तो कर लिया मगर गोली लगने से नेम्बू साहब खाई में जा गिरे और शहीद हो गए।